हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स का क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज। तो इसमें जो एक तुषार लड़का है, तुषार की ट्रेन की जर्नी है, जो उसके बारे में बताया है। तुषार है अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो ट्रेन में जो उसको सीट मिली हुई थी, कौन सी, विंडो सीट मिली हुई थी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। जो उसकी नोज थी वो विंडो ग्लास से चिपकी हुई थी। उसने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं और घर, वो बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने टैप्ड हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 ईयर्स एगो पहले ही रेल की जो जर्नी थी वो करनी स्टार्ट की थी। बस, तो इसके कुछ डिकेड्स लेटर, मतलब दशक बाद आई थी। जो बस थी वो तो दशक बाद आई थी। तुषार जो फिर सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए जो ट्रैवल क्विकली थी, मतलब तेज़ रफ्तार से जाने वाले, उनके पास वाहन नहीं थे, तो वो यात्रा नहीं करते थे क्या? वे अपनी जो एंटायर लाइफ, मतलब सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? जो आरंभिक मानव थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट, मतलब उपमहाद्वीप में 2 मिलियन 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? हम हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब जो खाना इकट्ठा करते थे, उन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जानते थे। भोजन का, उनका जो वे ऑफ फूड था, भोजन का इंतजाम करने का जो तरीका था, उसी के आधार पर इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। जनरली खाने के लिए वे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियाँ और जो चिड़ियाँ, फिश और बर्ड्स, उनको पकड़ते थे। फ्रूट्स, नट, सीड्स, स्टॉक्स, एग, ये सब वो इकट्ठा करते थे। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो उप महाद्वीप है, जैसे ट्रॉपिकल लैंड, गर्म देशों में पौधों की इमेंस वैरायटी, मतलब अनगिनत प्रजातियां मिलती थी। इसलिए जो प्लांट प्रोडक्ट, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, भोजन के एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, मतलब भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होते थे। नन ऑफ दीज थिंग्स इजी टू डू, लेकिन यह सब कर पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे कई जानवर हैं जिसे, जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों का शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता था? उन्हें बड़ा सतर्क रहना पड़ता था और बड़ा जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे एडिबल, एडिबल मतलब खाने के लायक होते हैं, पेड़ पौधे जो जिनको हम खा सकते हैं, खाने के योग्य होते हैं। क्योंकि कई तरह के पौधे पॉइजनस, मतलब जहरीले भी होते हैं, और साथ ही रिपन फ्रूट्स, फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो ये हंटर गैदरर्स होते हैं, मतलब आखेटक, खाद्य संग्राहक जो लोग होते हैं, वो एक जगह क्यों नहीं रुकते थे? उनके घूमने के क्या कारण थे? उनके उस घूमने के 4 रीजन्स थे। फर्स्ट रीजन था वह यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो क्या होता था, आसपास के जो पौधे, फल और जानवर को वो खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। और सेकेंड रीजन है,
कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर डियर और जैसे वाइल्ड कैटल हिरन और जो मवेशी होते थे उन्हें चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। थर्ड रीज़न है कि जो पेड़ और पौधे थे, फल फूल, ये क्या होते थे, सीजनल होते थे। मतलब एक सीजन में जैसे एक फल लगता है तो दूसरे सीजन में दूसरा फल लगता था, तो इसलिए भी लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार ही अदर प्लेसेस में घूमते होंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रीज़न, यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का सर्वाइव करना संभव नहीं होता। तो जो पानी है वो कहाँ मिलती थी, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, इनमें मिलता था। कई नदियों और झीलों में तो पानी सारा साल रहता है, और कुछ जो झीलें थी वो क्या होती थी, सीजनल। सीजनल मतलब उनमें पानी कुछ समय के लिए रहता था, बारिश आती थी तभी उनमें पानी मिलता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग जो थे वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते थे। इसके अलावा जो लोग थे अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते होंगे, जैसे कि आजकल हम लोग जैसे यहाँ अब हमारी छुट्टियाँ होती है तो हम भी तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ, मामा चाची के यहाँ जाते हैं, नाना के यहाँ जाते हैं, तो ऐसे ही उस समय भी लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते होंगे। तो यहाँ जो ये बात है याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि ये सभी लोग यात्रा कैसे करते थे, पैदल, क्योंकि उस समय कोई उनके लिए सवारी नहीं चली थी। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद, तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग हंटर गैदरर्स मतलब आखेटक खाद्य जो संग्रह थे वो किया करते थे। यह तभी संभव हो सकता था कि जो लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाए हों। अब उसके लिए क्या किया था लोगों ने कि टूल्स जो बनाए थे वो किस चीज़ के बनाए थे, स्टोन और वुड और बोन्स, हड्डियों की, इनसे औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार कुछ हैं जो आज भी बचे हुए हैं, ये आपको दिखाए गए हैं इधर, ये स्टोन्स, ये देखो ए ए में दिखाया हुआ है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। जो ये ए पत्थर दिखाए गए हैं ये वाले, ये पत्थरों से बने हुए सबसे जो पुराने प्राचीनतम औजार हैं, और बी ग्रुप जो दिखाया हुआ है जो दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर्स, जो है इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। और जो सी है, दीज वर मेड लेटर स्टील, इन्हें और बाद में बनाया गया। और डी कैटेगरी की जो डी दिखाई गई है आपको, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, तो ये कब बनाए गए, लगभग 10,000 साल पहले बनाए गए। और जो ई है, ये जो बने हुए हैं, ये जो पेबल्स हैं ये प्राकृतिक पत्थर होते हैं, ये ऐसे ही बने बनाए निकलते हैं नेचर से। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स, एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। अब इनमें से जो कुछ औजारों का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता था, हड्डियों और मांस काटने के लिए, और स्क्रैप बार्क पेड़ों की छाल उतारने के लिए, और ये हाइड्स मतलब जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब जो है कुछ कुछ के साथ तो हड्डियां या लकड़ियों के हैंडल लगाकर उन्हें भाले और बाण जैसे हथियार बना दिए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और कुछ लकड़ियों का जो उपयोग होता था वो किस में किया जाता था, जलाने में किया जाता था, और कुछ का उपयोग झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था।
स्टोन टूल्स मे ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। अब जो हमारे को ये जो लेफ्ट में पिक्चर दिखाई गई है, ये दिखाया हुआ है कि हमारे जो पत्थर हैं और किस किस काम आते थे। ये जो नुकीला पत्थर है ये खोदने के काम आता था, और जो ये राइट हैंड में ये वाले दिखाया गया है ये क्या करता था, जानवरों की खाल बने से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था इनका उपयोग। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब रहने की जगह निर्धारित करना। जो ये मैप है इसमें हमें ये रेड जो दिखाए गए हैं, ये देखो ट्रेंगल्स है, ये रेड भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल केव्स। जो ये केव्स हैं ये कौन सी साइट थी, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर हंटर गैदरर्स, जहाँ पर जो हंटर गैदरर्स के होने के एविडेंस मिले हैं हमें। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर जो हंटर गैदरर्स रहते थे। मैप में सिर्फ कुछ हमारे हमें जो हैं कुछ गिने चुने स्थान ही दिखाए गए हैं। जो मैनी साइट्स मतलब पूरा स्थल होते थे, जो जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती थी उसको पूरा स्थल कहते हैं। नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ उन्हें इजिली अवेलेबल जो ये स्टोन्स होते थे वो आसानी से मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को फैक्ट्री साइट उद्योग स्थल कहते हैं। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हम इन उद्योगों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो यूजुअली क्या होता है, आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले और ऐसे टूल्स मिले जिन्हें लोग डिस्कार्ड मतलब इन जगहों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के लिए पत्थरों के जो टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिले हैं। समटाइम्स कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ऐसी ऐसी जगहों को क्या कहा जाता था, आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। अब साइड में ये कॉलम है, पहले इसको देखते हैं। जो ये भीमबेटका का जो अब कहाँ पर है, वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या है, हैबिटेशन साइट मतलब आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें केव्स और रॉक शेल्टर्स, केव्स मतलब गुफाएं और रॉक शेल्टर्स कंदराएं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए शेल्टर मतलब आश्रय मिलता था। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं जो हैं कहाँ मिलती हैं, विंध्य और डेक्कन प्लेटो पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। नेक्स्ट है साइट्स, साइट्स मीन पूरा स्थल। अब पूरा स्थल क्या होते हैं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को उन्होंने बनाया, उनका यूज़ किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के सरफेस बोरिड मतलब जो ऊपर अंदर, कभी कभी ये पानी के तल मतलब कि समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन साइट्स के बारे में आपको अगले चैप्टर्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थर जो है पत्थरों से औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था। पत्थर उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। जो फर्स्ट है उसमें क्या करते थे, पत्थर से पत्थर को टकराते थे, यानी जो पैबल से कोई औजार बनाना होता था तो उसे हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक ऐसा पत्थर जो हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह मारने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर को तब तक छीला जाता था जब तक कि उसका जो मनपसंद आकार वाला टूल
हमें प्राप्त ना हो जाए, जब तक उन्हें वो वैसा टूल ना मिल जाए जैसा कि वो चाहते थे। सेकंड है प्रेशर फ्लैकिंग। जो प्रेशर फ्लैकिंग थी, इसमें क्या दूसरा तरीका, प्रेशर फ्लैकिंग मतलब दबाव द्वारा छीलना, इसे कहा जाता है दबाव द्वारा छीलना। इसमें को जो होती है कोर, कोर मतलब क्रोड को फर्म सरफेस, एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था, और इस कोर क्रोड पर बोन या स्टोन रखकर उस पर हथौड़ी नुमा जो पत्थर होता था उससे उससे के छिलके निकाले जाते हैं, जिससे कि जो टूल की जो शेप है जो हमें चाहिए, जब तक कि वो शेप उस पे ना आ जाए। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग की खोज कैसे हुई, हमें ये हम अभी इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ में। ट्रेसिंग ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड देयर। जो वहाँ पे आग के, जो आग से जली हुई कपड़ों के छिलके थे, कुछ ऐसे ही लकड़ियाँ वहाँ पर मिली, जिससे पता चलता था कि वहाँ के लोगों ने उस टाइम, आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे लाइट के लिए, मांस को भूनने के लिए, और जो वहाँ पे खतरनाक जानवर जो थे उनको अपने से दूर रखने के लिए, उनको डराने के लिए, डराकर भगाने के लिए। नेक्स्ट है ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जो बदलती हुई जलवायु। अब क्या था कि उस समय जो 12,000 years एगो मतलब जो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे बदलाव आए जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे इससे क्या हुआ, और वहाँ पर जो है डियर, एंटीलोप, गोट, शिप और कैटल और एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो वहाँ पे जो थे ये हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बड़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए, और इनके खाने पीने की आदतों और ब्रीडिंग मतलब जो इनकी प्रजनन के समय की जो जानकारी थी वो उन्होंने हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब के लोग इन रीरिंग मतलब जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार हर्डिंग पालने की बात सोचने लगे थे। मछली पकड़ना भी भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स जो स्रोत बन गया था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान, और नेचुरली जो रूप से होते थे, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद जो थी महिलाएं और जो पुरुष थे, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा शुरू करना शुरू कर दिया था, और इसके साथ वे सीखने लगे होंगे कि वह अनाज कहाँ उगते थे, कब पक कर तैयार होते थे। जो ऐसा करते करते लोगों ने प्लांट्स को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। अब इसमें जो नेम्स एंड डेट्स हैं वो कॉलम पढ़ते हैं, नाम और तिथियाँ। हम अब जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े नाम रखे हैं, जैसे आरंभिक काल को वो पोलियोलिथिक काल कहते हैं, और यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पोलियो मतलब प्राचीन और दूसरा लिथोस यानी पाषाण यानी पत्थर। यह नाम जो है प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जो पालियोलिथिक काल में 20 लाख साल पहले से 12,000 ईयर्स पहले के दौरान माना गया है, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आरंभिक काल,
मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। अब जो है ह्यूमन हिस्ट्री का जो लगभग 99% जो स्टोरीज है वो स्पैन ऑफ टाइम इसी काल के दौरान घटित हुई हैं, जिस काल में हमें एनवायरनमेंट चेंजेस मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका जो समय लगभग 12,000 ईयर्स पहले से लेकर 10,000 ईयर्स पहले तक का माना गया है। इस काल के जो औजार थे, पत्थर के औजार थे, जनरली कैसे थे, टाइनी मतलब आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल लगे आरी और हंसिया जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ विभिन्न प्रकार के औजार भी इस दौरान यूज़ किए जाते रहे। अगला युग लगभग 10,000 ईयर्स एगो शुरू हुआ। इसे नियोलिथिक युग कहा जाता है। अगले अध्याय में आप नियोलिथिक जो है युग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये नवपाषाण का मतलब क्या होता है, नियोलिथिक जो मीनिंग है इसका क्या है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो कि हम अगले अध्यायों में यूज़ करेंगे। जैसे वेरी ओफन क्या होता है, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जहाँ लोग पहले रहते थे। यह पता नहीं है कि उस काल में इनको किस नाम से बुलाया जाता होगा। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, जो शैल चित्र, रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पे चित्रकारी, इनसे हमें क्या पता चलता है। जिन केव्स में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर पेंटिंग्स मिली हैं, उन पर चित्र मिले हैं। इनमें जो कुछ चित्र हैं जो वो बहुत सुंदर हैं, और वो कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में वो चित्र मिले हैं। इनमें वाइल्ड एनिमल्स की बड़ी कुशलता से और उनका बड़ा क्या सजीव चित्रण किया है, सजीव एकदम ऐसे जैसे कि वो अभी जिंदा हो जाएंगे, बोल पड़ेंगे, ऐसा उनको इस तरह से बनाया गया है। हु डिड वट, कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो शिकार तथा फल फूल का इकट्ठा करते थे उन्हें, और वे पत्थरों के औजारों और केव्स वॉल मतलब गुफाओं की जो दीवारें थी उन पर चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा कोई प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चले कि जो वुमन हंटिड मतलब कि महिलाएं जो शिकार करती थी, या जो पुरुष मेड स्टोन टूल्स जो पुरुष स्टोन्स से जो औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं जो थी वुमेन पेंटिंग महिलाएं चित्रकारी करती थी, और पुरुष जो थे मैन दर्ड फल फूल जो है इकट्ठा करते थे। अब वास्तव में हमें इनका जो है ज्ञान नहीं है, लेकिन टू पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। वो कौन सी हैं कि महिला और जो पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी पॉसिबल है कि कुछ काम ओनली वुमन करती थी और कुछ ओनली जो थे वो मैन करते थे। इसके अलावा जो सब कॉन्टिनेंट थे उनके डिफरेंट पार्ट्स, उनके अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट प्रैक्टिसेस मतलब कि अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिच जो थे ये भारत में पॉलियोलिथिक जो युग था उसके दौरान शत्रुघ्न होते थे, और जो महाराष्ट्र के पटने जो वहाँ पटने पूरा स्थल है वहाँ से शत्रुघ्न के अंडों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर एनग्रेव्ड मतलब चित्रांकन चित्र बनाए गए। इन अंडों से बीड्स बीड्स मतलब मोती भी बनाए जाते थे।
ए क्लोजर लुक हुस्गी। अब जो यहाँ है ए नंबर ऑफ अर्ली पोलियोलिथिक साइट्स थी, जो वहाँ के कई साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पर कुछ क्षेत्रों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई औजार मिले थे। प्रोबेबली जो ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे जो पूरा स्थल थे साइट्स थी उनमें औजारों के बनाए जाने के एविडेंस प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पूरा स्थल क्लोज टू स्प्रिंग झरनों के बिल्कुल निकट थे। अधिकांश जो थे औजार लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर से बनाए जाते थे जो कि आसानी से मिल जाते थे। एल्सवेयर फ्रांस की एक गुफा दिखाई गई है। इस पूरा स्थल की जो खोज लगभग 100 इयर्स पहले 4 स्टूडेंट्स ने की थी। इस तरह के जो पिक्चर है इसमें लगभग जो है 20,000 इयर्स पहले से लेकर 10,000 इयर्स पहले के बीच बनाए गए होंगे। ये इनमें कई एनिमल्स वाइल्ड हॉर्सेस बिसन रेंडियर रिनोल्स ओरेक्स ये जो हैं ऐसे जंगली घोड़े गायें भैंस गेंडा रेंडियर और जो बारहसिंगा ये क्या थे ब्राइट कलर्स से बनाए गए थे। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स जो इन रंगों को क्या था ये आयरन ओरे और चारकोल जैसे मिनरल्स पदार्थों से बनाया जाता था। आयरन ओर मतलब लोह अयस्क से बनाया जाता था। इट इज़ पॉसिबल यह संभव है कि इन जो पिक्चर्स से सेरिमोनियल ओकेजन्स जो थे उत्सवों के अवसर पर ही ये बनाए जाते थे। परहैप्स शायद इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ स्पेशल रिचुअल्स मतलब कि कुछ जो खास जो अनुष्ठान थे उनके लिए इनको बनाया गया होगा। स्टूडेंट्स ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।